फीचर्स जिसके बारे में आपको 100% पता होना चाहिए कि आप अब बिना ओटीपी का भी व्हाट्सएप लॉगिन कर सकते हैं अपने दूसरे फोन में, और आप अपने व्हाट्सएप को डबल सिक्योर कर सकते हैं जिसे कोई भी व्यक्ति आपके मैसेज पर निगाहें ना डाले। जी हां दोस्तों, बहुत कमाल का फीचर होने वाला है। व्हाट्सएप का लेटेस्ट फीचर है दो जिसके बारे में 90% यूजर को पता ही नहीं है कि आखिर ये क्या फीचर्स है, हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बताने वाला हूं मैं आज की इस वीडियो में, काफी कमाल का फीचर है जिसके बारे में सभी व्हाट्सएप यूजर को, जैसे कि हमारे प्यारे भाई बहन जितने भी लोग, जो खासकर वो लोग जो किसी से भी पर्सनल बातें करते हैं, उनको इन फीचर्स के बारे में पता ही होना चाहिए, या वो लोग कि बिना ओटीपी का भी व्हाट्सएप लॉगिन करना चाहते हैं। जिस फीचर्स के मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, थ्री डॉट पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट। अकाउंट में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन काफी दिनों से दिख रहा होगा, बट आप इसका इस्तेमाल नहीं जानते होंगे, आप इसका यूजेस नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहला फीचर्स क्या है, पास की। दूसरा क्या है, ईमेल एड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिससे इस्तेमाल के बाद आप बिना ओटीपी का भी व्हाट्सएप अपना अपने फोन में लॉगिन कर सकते हैं, और पास की जिससे आप अपने व्हाट्सएप को डबल सिक्योर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, कैसे, क्या यूजेस है, सब बताने वाला हूं डिटेल्स में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दो, नए है तो मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लेना यार, क्योंकि ऐसे ऐसे व्हाट्सएप की लेटेस्ट वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं पास की। ये पास की क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे इनको बारे में पता ही नहीं है। तो दोस्तों देखो ये क्या चीज है, देखो हम यहाँ पे टैप करेंगे, इससे आपका एक पास की जनरेट होगा जो आपके लोकल फोन में रहेगा। किसी को अगर आप अपना नंबर भी दे देते हैं, फोन भी दे देते हैं कि ले मेरा व्हाट्सएप लॉगिन कर ले अपने फोन में, फिर भी वो नहीं कर सकता जब तक तो उसको पास की नहीं पता होगा। एक पास की जनरेट हो जाएगा 6-7 अक्षर का, उसके बाद आपका ये व्हाट्सएप ना कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो डबल सिक्योर हो जाएगा। तो अगर आप लोग किसी को अपना फोन देते हैं बार बार कुछ चीज़ यूज़ करने के लिए, तो अब पास की जनरेट कर लीजिए। ये जनरेट कैसे होता है, पहले सबसे पहले ये बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन है, लॉगिन सिक्योर एंड प्रोटेक्ट योर अकाउंट। तीन ऑप्शन है, क्रिएट योर पास की एंड ईजी, मतलब काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। दूसरा आप फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं। तीसरा पास की बिना आप व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे पास की। यहाँ पे देखो दोस्तों मेरा पास की जनरेट हो गया है। इसमें एक ईमेल आईडी पूछेगा, वो आप लोग ईमेल आईडी अपना पर्सनल ईमेल आईडी दीजिएगा। यहाँ पे एक पास की, हम इस पास की को कभी भी डिलीट कर सकते हैं, बट यार डिलीट मत कीजिए, अपने फोन में जनरेट करके रखिए, इससे आपका व्हाट्सएप डबल सिक्योर रहेगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है यार, इससे आपको व्हाट्सएप डबल सिक्योर रहने वाला है अब इस पास की से। अब जानते हैं हम दूसरा फीचर्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खासकर उन लोगों को जानना चाहिए जो व्हाट्सएप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं मैसेज भेजने के लिए। नहीं भाई, इस फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम व्हाट्सएप पर ना हर एक प्राइवेट मैसेज करते हैं, तो इस फीचर्स के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। दूसरा क्या, हमारा ईमेल। यहाँ पर देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, हम ईमेल पर टैप करेंगे। ईमेल पर टैप करने के बाद अगर आपका नंबर खो जाए, या फ़ोन टूट जाए, या सिम में रिचार्ज नहीं है, या दोस्तों नंबर चोरी हो गया है, आप चाहते हैं कि बैकअप लेना, वो व्हाट्सएप को लॉगिन करना। जैसे ही मेरा फ़ोन खो गया, अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये व्हाट्सएप मैं अपने दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर लूं जल्दी से, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू। नंबर तो मिलेगा नहीं, नंबर तो चोरी हो गया है, तो ईमेल के थ्रू आप व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपना पर्सनल ईमेल आईडी ऐड कर देना है। चलिए मैं ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी हम क्या करेंगे, अपना पर्सनल, जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी है यहाँ पे ऐड कर दीजिए, जो आपको याद रहता है। ईमेल ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है कि आपका ईमेल आईडी से वेरीफाई हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों मेरा नंबर, जैसे कि ये मेरा व्हाट्सअप है, अब ये मेरा व्हाट्सअप खो जाए, ये मेरा फ़ोन चोरी हो जाए, अब मैं चाहूँ यार मेरा ये व्हाट्सअप खो गया है, मैं दूसरे फ़ोन में लॉगिन करना चाहूँ, नंबर तो है नहीं, ओटीपी तो आएगा नहीं, तो अब ईमेल के थ्रू भी आप लोग लॉगिन कर सकते हैं व्हाट्सअप काफ़ी ईजी तरीके से। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा दूसरी बार वहाँ पे लीजिएगा, तो वहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा कि नंबर नहीं, ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोग व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं। तो यार बहुत कमाल का फीचर था ये वीडियो, उन लोगों के लिए जो व्हाट्सएप पे सिक्योर है। देखो ये फीचर्स है, कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है, कुछ लोगों के लिए बुरी बात है। जिनको नहीं पता है उनका व्हाट्सएप पे नज़र कोई और डाल लेगा, इससे बस सिक्योर रहना आपको। ये दोनों फीचर्स को आप लोग क्या कर दीजिए, एक्टिव कर लीजिए अपने फ़ोन में, क्योंकि भाई बहुत बार होता है अक्सर रिचार्ज नहीं रहता हमारे फ़ोन में, तो ओटीपी नहीं आता, तो लॉगिन नहीं होता व्हाट्सअप, है ना। बट अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं व्हाट्सअप को, नंबर नहीं है फिर भी। तो ये वीडियो कैसी लगी यार, अगर मन में कुछ सवाल है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे व्हाट्सअप चैनल का, फटाक से ज्वाइन कर लो यार, वहाँ पर मैं बताऊँगा आप लोगों को डिटेल्स में
कोई भी दिक्कत है तो। ये था इन दोनों फीचर्स का वीडियो। उसके बाद यहाँ पे ऐड ऑप्शंस भी है, एक ही फोन में 3-4 व्हाट्सअप चला सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ऐड करके चला सकते हैं, जो बहुत पहले ही फीचर है, पता ही होगा आप लोगों को। नहीं पता है तो डिटेल्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा, सिक्योर सिक्योरिटी के ऊपर, व्हाट्सअप प्राइवेसी सेटिंग्स के ऊपर। दोस्तों अगर मन में कोई भी सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन लगा हो, थोड़ी सी भी हेल्प हो यार ना, तो प्लीज़ यार लाइक बनता है यार, एक फटक से लाइक का बटन लाइक कर दो यार, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्त यार सबके पास शेयर कर दो, जिससे उनको भी इन फीचर्स के बारे में पता चल पाए, बड़ा डिटेल्स में बताया है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार दोनों फीचर्स, खासकर मेरी प्यारी सी बहने के लिए पता होना चाहिए।